अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द गीगा बाईटेक यूट्यूब चैनल। गीगा बाईटेक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। जैसा कि गाइस आपने पहली वीडियोस देख के आपको उम्मीद करता हूँ कि सब पता चल चुका होगा कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है और इसके क्या क्या लवाजमात होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें सेट करने वाले थे और किस तरह सेट की जाती हैं और क्यों सेट की जाती हैं, उसकी वजह क्या होती है। तो शुरू से अगर हम लें तो जैसे कि मेरी पहली वीडियो थी इंट्रोडक्शन मेरे चैनल के बारे में, उसके बाद यूट्यूब चैनल आसान तरीक़ों से किस तरह बनाया जाता है, फिर आप इस पे लोगो किस तरह सेट करते हैं, लोगो या पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर, उसके बाद इस पे बैनर इमेज किस तरह सेट किया जाता है, फिर आपके यूट्यूब जो आप यूट्यूब चैनल बना चुके हैं उस पे ऊपर वीडियो मार्क किस तरह सेट किया जाता है, वीडियो अपलोड कैसे की जाती है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब कैसे किया जाता है चैनल, और डिस्क्राइब के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि हैशटैग किस तरह दिया जाता है और हैशटैग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, मेरे चैनल के बारे में रिव्यू था जो क्या जो किया था, जो जो काम किए थे इसमें, जो जो भी मेरी एक्टिविटी थी, उसके बाद प्लेलिस्ट का बताया था कि प्लेलिस्ट कैसे बनाई जाती है। तो गाइस जो आज की वीडियो है ये है थंबनेल के बारे में। थंबनेल के बारे में बताता चलूँ कि थंबनेल जिस तरह के आप अपना गूगल साइन इन हो के उसके अपना अपना यूट्यूब चैनल ओपन करते, जिस तरह के ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, इसी तरह देखेंगे कि ये मेरी वीडियोस जो आपको दिख रही है इसमें जो पिक्चर लगी आ रही है, अगर इसको पिक्चर नहीं लगाओ तो कोई मसला नहीं है, मतलब फिर भी चल जाएगी, लेकिन ये आपके व्यूवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होती हैं, जिस तरह के मैंने एक तरह की इसके लिए इसीलिए लगाई हैं ताकि एक एग्जांपल है आपके लिए, मिसाल है आपके लिए कि कोई भी आपका व्यूअर, आपका दोस्त, कोई भी जो वीडियो देखना चाहता हो या कोई जो इससे मतलब आपके जो रेलिवेंट जो कंटेंट डाला है जो उसके मुताबिक रिसर्च कर रहा है, आपको सर्च करके जब वो आपके थंबनेल देखे तो एक तो उसकी अट्रैक्शन हो, दूसरा इससे रेलिवेंट हो, जो भी मैंने थंबनेल लगाए मेरा ख्याल है कि मैंने इस हिसाब से इससे मिलते इससे कंसर्न ही लगाए हैं। तो ये थंबनेल कैसे लगाया जाता है आज का टॉपिक ये है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कस्टमाइज चैनल पे जाएंगे। कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करने के बाद अभी जो विंडो ओपन होगी चैनल कस्टमाइजेशन, इसके जो तीन ऑप्शन लेआउट, ब्रांडिंग, बेसिक इन्फो, ब्रांडिंग पे क्लिक किया तो ये देखेंगे आपके पहली जो इसकी ऑप्शन थी वो पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर जिसे हम बोलते हैं, वो किस तरह सेट की ये भी बताया आपको, फिर बाद में बैनर इमेज किस तरह सेट किया जाता है, क्या मकसद था ये भी बताया। इसके नीचे जब देख रहे होंगे आप तो आपको वीडियो वाटरमार्क का ऑप्शन दिखता है, तो ये किस तरह सेट करना है, इसका क्या क्राइटेरिया है, इसको मतलब के कैसे लगाते हैं, सॉरी आज की थी थंबनेल के बारे में, ये वीडियो वाटरमार्क ये बताया था हमने कि किस तरह लगाते हैं। इस तरह थंबनेल के लिए हम कंटेंट पे जब क्लिक करते हैं तो आपके पास जो भी आपका कंटेंट आपने अपलोड किया उसके ऊपर आपकी ये सारी वीडियोस आ जाती हैं। तो जस्ट आपने कोई भी वीडियो उसके ऊपर कर्सर ले जा के, जो ये छोटा सा पेन साइन आ रहा है इसके नीचे डिटेल लिखा आ रहा है, इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखें कि ये थंबनेल का जो आपको टाइटल बता रहा है वो, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। क्लिक करने का क्योंकि ये मैं ऑलरेडी इसके ऊपर दे चुका हूँ तो इसका भी थंबनेल आपको शो हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए ये जो तीन डॉट्स आ रहे हैं, थ्री डॉट्स ऑप्शन लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसको हम चेंज कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी दे चुका हूँ।
तो जब ये इसको लगाना है तो जस्ट इसके ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे बिल्कुल ऐसे जैसे आप वीडियो सेलेक्ट करते हैं या प्रोफाइल पिक्चर की या अपनी पिक्चर सेलेक्ट की या जिस तरह बैनर इमेज की सेट की उसी तरह ये आपके आपको सोर्स बताएगा कि कहाँ पड़ा आपका थंबनेल कहाँ पे पड़ा है वो आपने सेलेक्ट करके जस्ट इसको अपलोड करके इसको पब्लिश कर देना है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने चैनल मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात है जो नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।